नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, ये कहानी जो आज आपको सुनाने हम जा रहे हैं वो कहानी औरंगाबाद की है। औरंगाबाद में शुक्रवार को एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आपको बता दें कि एक शादीशुदा महिला को एक युवक ने 3 साल तक दोनों के बीच प्यार मोहब्बत की बातें हुई, लेकिन उसके बाद उस युवक ने महिला का एक अश्लील वीडियो बनाकर उसके पति को भेज दिया। इतना होना था कि पति ने वीडियो देखते ही महिला को छोड़ दिया, जिसके बाद महिला भड़क गई और महिला ने फिर बदला लेने की ठानी। उस महिला ने शुक्रवार को औरंगाबाद में युवक को घसीटते हुए वो महिला लेकर आई। आपको बता दें कि युवक ने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन महिला औरंगाबाद कोर्ट में शुक्रवार को उस युवक को घसीटते हुए लेकर आती है और जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी होता है। अब पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल ये मामला नबी नगर और अंबा प्रखंड से जुड़ा हुआ है। अवैध संबंध था दोनों के बीच, चोरी छुपे 3 साल तक ये रिलेशन चलता भी रहा, लेकिन जब इस युवक का मन शादीशुदा महिला से भर जाता है तो उसके बाद युवक ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसका अश्लील वीडियो बनाया। आपको बता दें कि यह अश्लील वीडियो बनाकर उसने उस महिला के पति को भी भेज दिया, जिसके बाद उस महिला के पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जिसके बाद वो महिला बेबस हो गई। लेकिन उसने फिर बदला लेने की सोची और शुक्रवार को जब युवक ने शादी से इनकार कर दिया तो वो उसे घसीटते हुए औरंगाबाद कोर्ट लेकर आती है, जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी होता है। आप देखिए कि किस तरह से ये युवक गिड़गिड़ाता है और ये बात मानता है कि उससे गलती हो गई है। मेरे साथ लव की, हम भी इसके साथ लव की, और बात है कि बात गुस्सा गुस्से में हो गया है, बाकी और कुछ तो बात नहीं है। ये हमको से बुलाया, यहाँ बुलाने के कारण है कि खेत लिखवाना। लड़की का आरोप है कि आपने अश्लील वीडियो वायरल किए हैं। लड़की का अश्लील वीडियो वायरल किया है, इसका ससुराल भेज दिए हैं, और लड़की अब क्या कहना है कि अब शादी करेंगे तो तुम्ही के साथ। क्या करेगा? ऐसा तो नहीं है सर, ऐसा तो नहीं है। वायरल नहीं किया है? वायरल हम इसको वहाँ भेज भी नहीं, हम नहीं जानते थे, नंबर था मेरे पास। हम बुलाना क्यों है, ऐसा नहीं है, बुलाएगी क्यों? आखिर लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं ना हुआ था? लड़ाई होने से सब होता है। हम और क्या रहे? आपको साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ हो रहा है ना लड़ाई। हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे साथ हुआ है कि हमसे 3 साल से प्यार कर रहा था, शादी होने के बाद भी मगर ये गलती का हम सबसे बड़ा किया कि हमको वीडियो, हमको फोटो एकदम गलत सलत हमको हस्बैंड के पास भेज दिया, हमको गोतनी के बेटा के पास भेज दिया, हमको देवर के पास भेज दिया, हमको मोबाइल में से नंबर निकाल निकाल के। तो अब बताइए कि वो सब वीडियो और फोटो देखेंगे तो हमको घर वाला क्या कहेंगे, निकाल दिए। तो जब हम ये बोलने भी था कि ना घर के रहने देंगे ना घाट के रहने देंगे, ठीक है, तो अब तो उधर से हम चला गए तो हम एक दिन ना धरेंगे। मेरा शौक नहीं था कि हम शादी करते दोबारा, उससे एक बाल बचा है हमको, तो हमको शौक था। कब से प्रेम चल रहा था ये लड़का से? 1 साल से। शादी के पहले से? नहीं, शादी होने के बाद हमको 2012 में शादी हुआ है। कैसे संपर्क हुआ इस लड़का से? हम मामा के घर गए थे, ठीक है, मामी के मोबाइल में से नंबर निकालने था, और जब हम इसके नंबर में एक लिस्ट में डालते थे ना कि अपना बहन के नंबर से कॉल करता था, जब बहन के नंबर डालते थे ब्लैक लिस्ट में तो बहनोई के नंबर से कॉल किया था, जब वो डाले तो ये अपना घर वाला नंबर से कॉल किया था, सब नंबर मेरे पास है। आगे क्या चाहते हो तुम? आगे चाहते हो जैसे भी जाए हम इसी के घर जाएंगे। शादी करना चाहते हो? हाँ। कहाँ के रहने वाले है तुम? हम मौली के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ? सोनी। लड़का कहाँ के रहने वाला है? अंबर रहने वाला। क्या नाम है लड़का के? अरुण कुमार। दोनों अपने ही जाति से हैं? हाँ, अपने ही।
लेकिन आपको बता दें कि महिला सुनने वाली नहीं है। आपको बता दें कि महिला ने ये साफ कहा कि गलती तो तुमसे हो गई है और भुगतान भी तुमको भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि वकील द्वारा उनकी शादी का शपथ पत्र भी लाया गया, जिसके ऊपर दोनों ने सिग्नेचर भी कर दिया है। तो अब यानी कि उस युवक को उसकी करनी की बेहतर सजा मिली और उस महिला ने साफ कह दिया कि जो तुमने गलती की है उसका भुगतान भी तुमको भरना पड़ेगा। तो देखा आपने कि इस कहानी में क्या कुछ होता है और किस तरह से ये हाई वोल्टेज ड्रामा भी घंटों तक औरंगाबाद कोर्ट में चलता गया। इस पूरे रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।